चलिए गाइस, आज हम लोग बनाते हैं अंडा अंडा करी। उसके लिए हम 2 मीडियम साइज का प्याज ले लिए हैं, 1 इंच अदरक को छोटा छोटा काट लिए हैं, 1 टमाटर ले लिए हैं और 10-12 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 3 हरी मिर्च ले लिए हैं। इसको पहले हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं, फिर बाद का प्रोसेस आपको दिखाते हैं गाइस। देखिए गाइस, इधर हम आलू को भी उबाल के रख दिए हैं और इधर हम अंडा को भी उबाल रहे हैं। ये भी कंप्लीट हो गया, बहुत फटाफट बन जाती है गाइस। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब इसको ढक देते हैं, बहुत जल्दी 5 मिनट में तैयार हो जाता है। देखिए गाइस, हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले चुके हैं। हम 2 टेबल चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। इसको हम स्मोकी कर लिए हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म करना ज़रूरी होता है। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, चारों तरफ फैला देंगे नमक को। अब इसमें हम अंडा को फ्राई कर लेते हैं। ऐसे करने से गाइस अंडा जो है नीचे में नहीं चिपकेगा, बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ हल्दी 1/2 टीस्पून मिला के अंडा को रख दिए थे, उसको अभी फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, गोल्डन फ्राई हो चुका है अंडा जो है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं इस प्लेट में। अंडा को हम निकाल लिए हैं, वही तेल में हम ये जो आलू उबाल के रखे थे उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसी में। देखिए आलू में भी एक क्रिस्पीनेस आ चुका है, अब इसको भी हम निकाल देते हैं। इसमें हम और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। अब इसको बढ़िया से गरम कर लेंगे पहले तेल को। तेल जो है गरम हो चुका है, अब इसमें 2 तेजपत्ता, 1 सूखा मिर्चा और 1 टीस्पून जीरा को डाल दिए। जीरा बढ़िया से चटक चुका है, अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला को डाल दिए। सूखा मसाला में हम ले लिए हैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर हम 1.5 टीस्पून लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिए हैं, रेड चिल्ली पाउडर कश्मीरी वाला हम लिए हैं 1 टीस्पून और हल्दी भी 1 टीस्पून लिए हैं, और ये वाला हम भुना हुआ बेसन को लिए हैं। ये सबको डाल देते हैं। अब इसको बढ़िया से इसमें सोटे कर देंगे। देखिए गाइस, मसाला जो है तेल छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक को डाल देते हैं। और जो भून के रखे थे आलू उसको भी डाल देते हैं इसी में। अब इसको बढ़िया से हम आलू के साथ में मसाला को सोटे कर लेंगे। ताकि आलू जो है वो नमक और मसाला थोड़ा अब्जर्व कर ले। बढ़िया सा फ्राई हो चुका है,
तेल भी छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम गर्म पानी को डाल देते हैं। आप अपना हिसाब से डालिएगा गाइस, गर्म पानी मैटर करता है कि आप रोटी के साथ खाएंगे या चावल के साथ, उस हिसाब से पानी डालिएगा। थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, ऐसे भी इसमें बेसन डाले तो करी जो है थोड़ा ठीक होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, बनता है गाइस ये अंडा का करी जो है। अब जब भी बनाइएगा तो मेरा रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बॉयल आलू के साथ में आप दीजिएगा, बेसन भुना हुआ बेसन डालिएगा। अगर नहीं भून पाएंगे तो आप डाल, जब तेल आप डाल रहे हैं तड़का लगा रहे हैं तभी एक टेबल चम्मच बेसन को डाल दीजिएगा और तेल के साथ में भून लीजिएगा बेसन को। बेसन ही ये ग्रेवी को इतना बढ़िया बना देता है ना गाइस, बहुत ही टेस्टी बनाता है। हम आप थोड़ा पानी ले लिए, एक बॉयल आने देते हैं क्योंकि गर्म पानी यूज़ किए बोल के तुरंत ही बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम अंडा को जो फ्राई करके रखे थे उसको डाल दिए। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं अंडा का साथ में। ये मेरा पूरा बन चुका है अंडा करी जो है। देखिए गाइस, अंडा करी बन के मेरा तैयार है, आलू और अंडा करी। चलिए अब हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है गाइस। चलिए दिखाते हैं आप। देखिए गाइस, प्लेटिंग कर चुके हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से गाइस। जो भी नया दोस्त बन रहे हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस।